अभी पिछले दिनों हरीश रावत का बयान था कि समझ नहीं आ रहा जनता क्यों भाजपा को वोट दे रही है हरीश रावत ये बखूबी जानते हैं कि जनता क्यों भाजपा को वोट दे रही है अब ये कहीं ना कहीं ऐसा ही है जैसे इंदिरा गांधी के समय में कोई भाजपा ये कहे कि जनता पता नहीं क्यों कांग्रेस को वोट दे रही है वैसे कांग्रेस अगर उत्तराखंड में यहाँ तक पहुँची है तो यकीन कारण हरदा ही है हंसे नाचे कूदे इमोशनल हुए सारे फल सब्जियों के नाम की पार्टी कर डाली पेड़ के नीचे धरने भी खूब दिए मौन व्रत भी रखे अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी खूब गिनाई उत्तराखंड में से उत्तराखंड यद ढूंढ लाए सब किया हरदा ने लेकिन बेअसर केंद्रीय नेतृत्व और गुटबाजी ने अरमानों पर पानी फेर दिया भाजपा की सोशल मीडिया टीम पर हरदा झूठे प्रचार का आरोप लगाते हैं कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती कि भाजपा उस पर झूठे प्रचार के आरोप लगाए क्या लगता है आपको Options आपकी स्क्रीन पर ये रहे पहला कांग्रेस के पास सोशल मीडिया टीम नहीं है या उसे हायर करने के लिए पैसे नहीं है दूसरा कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को काम करना नहीं आता नकारा है तीसरा कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को भाजपा के के खिलाफ कुछ करने के बिंदु नहीं मिले चौथा कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम अपने शीर्ष नेतृत्व की छवि सुधारने में व्यस्त रही पांचवा इनमें से कोई नहीं जरा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए एक वाक्य में समेटें तो मोदी जी ने कांग्रेस से गांधी जी छीन लिए हैं अब गांधी जी कांग्रेस के नहीं देश के हैं और उन्नीस से गांधी ही तो कांग्रेस है और कांग्रेस ही गांधी है अब बिना गांधी कैसी कांग्रेस उत्तराखंड राष्ट्रवादी विचारधारा वाले पढ़े लिखे लोगों का राज्य है आप इस राज्य की जनता को चुनाव से चंद दिन पहले हमेशा लॉलीपॉप नहीं थमा सकते आपको पहले ही दिन से विकास का रोड मैप खींच उसे अमली जामा पहनाने का काम शुरू करना ही होगा मोदी के नाम पर इस राज्य से सांसद तो शायद मेवा खाते रहे विधायकों की चांदी कब तक कटेगी ये आप दो और दो के आंकड़ों की तुलना करके स्वयं ही सहजता से अनुमान लगा सकते हैं अगले वीडियो में फिर एक मरीदार विश्लेषण के साथ आपके सामने उपस्थित तो होऊंगा तब तक आप ते वो न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं चार पाँच वीडियो और देख सकते हैं एक आध दर्जन मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद